द शील्ड यहाँ पर WWE के मॉडर्न एरा के अंदर मोस्ट पॉपुलर फैक्शन है, ये बात हम सभी लोगों को मालूम है। और गाइस शील्ड के तीनों ही मेंबर WWE के अंदर एक टाइम पर काफी ज्यादा पॉपुलर हुए थे। बट गाइस क्या आप लोगों को ये मालूम है, शील्ड के मेंबर रोमन रेक्स और सेट रॉलिंस के मुकाबले डीन एम्ब्रोज को WWE पर मेजर पुश क्यों नहीं मिला? वेल गाइस WWE के अंदर रोमन रेक्स हमेशा से विंस मैकमैन के फेवरेट थे, तो वहीं सेट रॉलिंस को ट्रिपल एच का करीबी बताया जाता था। और वैसे तो अर्ली डेज के अंदर जब यहाँ पर ये तीनों शील्ड में काम करते थे तो उस समय डीन एम्ब्रोज को क्राउड यहाँ पर इन दोनों के मुकाबले ज्यादा पसंद करती थी, और क्योंकि डीन एम्ब्रोज की माइक स्किल इन दोनों से काफी बेटर थी, तो इसीलिए शील्ड के अंदर भी डीन एम्ब्रोज हमेशा शील्ड को रिप्रेजेंट किया करते थे। बट गाइस बैक स्टेज पर सपोर्ट ना होने की वजह से डीन एम्ब्रोज को WWE पर काफी खराब बुकिंग मिली, और इस रीजन की वजह से डीन एम्ब्रोज ने WWE को क्विट करके 2019 के अंदर AEW कंपनी को ज्वाइन किया।